तो कई बार क्या है, सामाजिक कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी को निचोड़ कर रख देती है। आज के समय सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? जिसके पास माता पिता है। आज हमें भी जिसके नहीं है, मेरे भी नहीं है, लेकिन याद बहुत आते हैं, याद बहुत आते हैं, क्योंकि घटनाएं जब घटती है, घटनाएं जब घटती है, जब सामने देखते हैं, आज हमारी माता बूढ़ी बूढ़ी यहां पर बैठी हुई है, बूढ़ी बूढ़ी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगने के लिए आई हुई है। जब हमारा जन्म होता है ना, हमारी माता जी हमारे को कैसे दूध पिलाती है, हम एक स्तन से दूध पीते हैं और अपनी माता जी का कैसे कैसे हम लात मारते हैं, कैसे कैसे हम लात मारते हैं। हमारी माता जी इतनी परवरिश करती है बचपन से, इतनी करती है अपने लाल को पाल पोस करके, इतनी करती है उसकी दुख में तकलीफ में। जब वो छोटे छोटा सा होता है ना, आप भी थे, जब छोटा होता है तो हमारी माता जी चूल्हे पे गरम गरम रोटी बना करके कितने बढ़िया प्यार से खिलाती है, और जब रोटी के ऊपर हम देखते हैं मक्खन नहीं होता है, मक्खन नहीं होता है, और हमारी माता जी उंगली भर करके रोटी पर रख लेती है, हम खा लेते हैं। कहीं अड़ोस पड़ोस के अंदर शादी विवाह का कार्यक्रम हो, घर में आते हैं, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी कपड़ों की तरफ इशारा करती है, और जैसे ही कपड़ों की तरफ इशारा करते हैं, कहीं ना कहीं साफ सुथरे धो करके अपने लाल को पहना करके भेज देती है, और वो लाल बहुत नाचता है, बड़ा खुश होकर के आता है, और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही करते करते सर्दियों का टाइम आता है, जब लाल को ठंड लगती है तो कैसे कांपता है, आप उस एज में के निकले हो, और वो माता जी अपना शाल उतार करके अपने लाल को उड़ा देती है, लाल को ठंड नहीं लगने देती, लाल को ठंड नहीं लगने देती बिल्कुल भी, और वही लाल जब बड़ा हो जाता है, पाल पोस के पढ़ा करके लिखा करके और सर्विस लगवा देती है, हाथ जोड़ती है, किसी के पैर पकड़ती है, माता जी पिताजी भी जा करके एक मेरे लाल को सर्विस लगा दो, और वो जैसे ही सर्विस लगता है फिर उसके लिए बढ़िया ऐसी अड़ोस पड़ोस में कह करके दुल्हन देखने की प्रक्रिया चलती है, दुल्हन देखती है, लड़की देख आती है, बड़ी धूमधाम से जाती है, ए मेरी बहू तो बहुत सुंदर, ए मेरी बहू तो बहुत सुंदर, बड़ी खुश होकर अड़ोस पड़ोस में बताती है, और उस लड़के का बड़ी धूमधाम से ब्याह करती है, फिर नाचती है, लाडू बनाती है, रिश्तेदारी अड़ोसी पड़ोसी सबको जो भी जान पहचान की है सबने बुलाती है, और शादी में इतने बढ़िया तरह नाचती है, और बहू को घर में ले आती है, बहू को घर में ले आती है, उस बहू के गला इतना माता जी का इतना मिल जाता है, और वही माता जी आज काफी आई हुई है और ज्योतराम जी के मंदिर में आती है, क्योंकि माता की हमेशा लाल से ही जुड़ी होती है, और एक पोता मांगती है और कहती है, हे श्री ज्योतराम जी मेरे घर में भी एक छोटा सा पोता दे दे, मैं भी ऐसा ही तरह खुश होकर के जागरण लगाऊंगी, बड़ी खुश होकर के जागरण लगाऊंगी, चार चांद लगाऊंगी, है सारे कलाकारों ने बुलाऊंगी, नाचूंगी, और ज्योतराम जी उस माता जी की सुन लेते हैं और उसका एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा लाल दे देते, और उसी लाल में उस माता जी की आस्था इतनी जुड़ जाती है, बड़े पाल पोस करके अपने लाल से भी बढ़ करके उस पोते को पालती है, वो पोता 12-13 साल का हो जाता है, और वही माता जी हमारी 80-90 साल में जब पहुंच जाती है, और जब हाथ नहीं हिलते हैं, जिस बहू को इतनी पसंद करके ले आई थी, और जिस लाल के लिए सारी उम्र दुखी पाई, दुनिया के आगे हाथ जोड़े सर्विस लगाई,
और वो माता जी जब खाट पे बैठ जाती है और उस लाल को एक इशारा करके, क्योंकि माता जी से चला नहीं जाता है, और इशारा करके बुलाती है, हे बेटा एक बार तू इधर से आ जा, मेरे पास आ जा, एक बाल्टी मेरे को पानी ले आकर के दे दे, मैंने 4-5 दिन हो चुके हैं, मैं बेटा नहा ही नहीं हूं, बहुत परेशान हो रही हूं। लेकिन वही लाल आंख फेर करके बूढ़ी माता को खाट में बैठी को छोड़ करके एक तरफ चला जाता है, एक तरफ चला जाता है। वो बेचारी बूढ़ी माता हमारी वहीं बैठी बैठी आंखों में आंसू पानी आ जाते हैं और अपने लाल की तरफ देखती रहती है, जिस बहू को इतनी खुशी करके, जिसके लिए पोता मांगा, जिसके लिए पोता मांगा, अपने घर में लाई, ज्वेलरी दी, सब कुछ दिया, प्यारी प्यारी साड़ियां दी, इतनी खुशियां सबके सामने उसके गुणगान गाए। और वो माता जी जब अपनी खाट में बैठी है और बहू को बुलाती है, हे बेटी एक बार इधर आ जा। बहू आती है, सुनती है, और वो माता जी क्या कहती है, क्योंकि उस माता जी के गले से आवाज निकलती है, कहती है, बेटी 3 दिन हो लिए है मैंने रोटी नहीं खाई है, मेरे पेट में इतनी भूख लगी है, तो रोटी ले आकर के दे दे। तड़प रहा है मन का धीरज टूट गया है, आंचल में है दूध की नदियां और आंखों में नीर भरा है, और आंखों में नीर भरा है, सबको सहारा। और उस माता जी की, उस बहू की तरफ देख करके कितने आंसू निकलते हैं, बताइए हमारी माता है जो भूचरक हो जाती है, क्या दो दो रोटियों के लिए क्या इस तरह का आप टाइम दिखाओगे क्या, बताइए। जितनी हमारी ये माता है भूचरक हो जाती है, जिसने अपनी कोख से हमारे को पैदा किया है, और उन माताओं को जब भूचरक हो जाते हैं, कई भाई तो अनाथालय के अंदर छोड़ आते हैं, अनाथालय के अंदर छोड़ आते हैं, बताइए उस बूढ़ी माता ने क्या कसूर किया था। और वही माता जी जब प्राण त्यागने से पहले सिर्फ होंठ हिलते हैं और फिर भी अपने लाल को बुलाती है, हर हाथ जोड़ करके उसके सामने कहती है, लाल तेरे पालन पोषण में मुझे कोई गलती हो गई हो मेरे से, फिर भी मैं तेरे से बेटा हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं। दोस्तों ऐसा अपने किसी भी बुजुर्ग माता के साथ मत करिए, क्योंकि माता ही जीवनी है, इस माता से ही संसार चलता है, इस माता की ही कोख से हम जन्म लेते हैं, ये माता ही नहीं होगी तो हम इस संसार में कभी नहीं आएंगे।